नमस्कार आप सभी को। वीएमयू स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इन दिनों महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि जाननी ज़रूरी है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ में अगर आपने अभी तक जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आप वीएमयू की और अपडेट्स ले सकते हैं जो कि आपके सीधे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती है, तो हम वहाँ पर भी शेयर कर देते हैं ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट तक वो सूचनाएं पहुँच जाए। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ग्रुप भी है, वहाँ पर एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं और भी छात्रों के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली बात करें कि आपके डिफॉल्टर फॉर्म जो हैं, और ये आपका जो डिफॉल्टर फॉर्म है वो आपका दिसंबर 2021 की परीक्षाओं के लिए है, और ये आपकी आज इसकी लास्ट डेट है। और ध्यान रखिए आपकी एक्सटेंड की हुई है दूसरी बार, तो और अभी बिल्कुल चांस बहुत रेयर है कि आपकी अब बढ़ेगी और आपकी अंतिम तिथि जो है आज है। साथ ही साथ एक और क्वेरी जो आ रही है, ये तो आपके थ्योरी पेपर की है, मतलब आपका जो आप रिटर्न पेपर लिख कर आएंगे उसका आपका डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर वो लोग भरते हैं जिनका पेपर क्लियर नहीं हो पाता है या फिर पेपर उन्होंने नहीं दिया था पहली बार। अगर आप फ्रेश, अगर आप पहली बार एग्जाम देंगे तो आपको डिफॉल्टर फॉर्म नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। अब काफी क्वेरी ये आ रही है कि हमारा तो प्रैक्टिकल में बैक लगी हुई है, प्रैक्टिकल का हमने छोड़ दिया था, क्या उसका डिफॉल्टर कब आएगा? तो उसका भी डिफॉल्ट जल्द आएगा, उसका भी आपका दिसंबर 2021 के नाम से आएगा, अभी तक नहीं आया है ये आपका। और साथ में अगर आप एग्जाम सिटी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अभी आप अगर आगे आने वाले दिनों में, अगले महीने में, जून में, कहीं और उस टाइम में रहेंगे, क्योंकि आपके अभी जैसे कि लगभग आपका डिफॉल्ट फॉर्म भर चुके हैं, और जल्द ही आपके इस मई के एंड तक लगभग आपका टेंटेटिव टाइम टेबल आपको जरूर देखने को मिलेगा, और उसके बाद उसमें भी कुछ एक अब बदलाव होते रहेंगे एक दो बार, बट आपके जून में आपके संभावित है परीक्षाएं, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू रखिए। और अगर आप एग्जाम सिटी चेंज करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं, आज इसकी लास्ट डेट है, और यहाँ पर आप चेक देख सकते हैं कि लास्ट डेट आपकी जो एक्सटेंड की हुई है वो आपकी 23 मई तक आपकी है, तो आप यहाँ से फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा इसकी अलग अलग फी होती है, जो यूजी वालों के लिए पर पेपर 200 रुपी है, पीजी वालों के लिए 300 रुपी है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ऑनलाइन असाइनमेंट की प्रक्रिया है, इसको लेकर के मैंने रिसेंट वीडियो पोस्ट किया था, तो अभी आपका जो है पोर्टल ओपन नहीं है और ना कोई नोटिस जारी किया गया है, तो आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही आपकी नई जानकारी आएगी कि आपको अब से असाइनमेंट जमा कराने हैं, तब से आपको जो है इस चीज़ को लेकर के आपको देखना है और अपने डाउनलोड करके असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया आपकी रहेगी असाइनमेंट को लेकर के, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा। साथ ही साथ आप टाइम टेबल कहाँ देखेंगे, टाइम टेबल आपका जल्द से जल्द आपका जो है टेंटेटिव आपको देखने को मिलेगा, फाइनली कि हम नहीं कह सकते, लेकिन इस आपको इस मई के एंड तक तो आपको देखने को मिल जाएगा, और इस वीक जरूर संभावनाएं हैं कि आपका टाइम टेबल आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। परमिशन लेटर आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आ जाता है, लगभग 5-7 दिन पहले, जैसे ही आपका शुरू होगा पहली एग्जामिनेशन तब आपका आ जाएगा। और साथ में ऑनलाइन असाइनमेंट की बात कर चुके हैं, और ये आपके प्रैक्टिकल डिफॉल्ट फॉर्म की हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और डिफॉल्टर का जो टाइम टेबल है, अभी भी इस बात में भी कन्फ्यूजन है कि क्या जो डिफॉल्टर का फॉर्म जो हम भर रहे हैं इसका टाइम टेबल अलग से आएगा या फिर इनके एग्जाम डेट हमें अलग से सूचित किया जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपकी और पेपर होगा, जैसे कि एक ही टाइम टेबल निकलेगा, उसमें आपका पेपर कोड जो रहेगा सेम डे आपकी भी एग्जाम रहेगी, आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा, उसमें आपको डेट वगैरह दी हुई होगी कि इस दिन आपको जाना है, ये वाला एग्जाम देना है, तो ये बात भी अपने मन से निकाल सकते हैं कि अलग से कोई डेट जारी नहीं होगी डिफॉल्टर को लेकर के, वही आपका एक ही होगा और उसी में आपका एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके मन में आते रहते हैं, छात्रों के मन में काफी चीजें नहीं पता होती है कॉमन होते हुए भी, तो आप जरूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा, काफी मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इट इज न्यू एडुकेटर आपकी जो भी क्वेरी है, साथ में आप एंटर करके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम से भी जानकारी ले सकते हैं, वहां पर मैं खुद भी अपडेट देती रहती हूँ, और तो वहां पर आप ले सकते हैं। और बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर जानकारी यहाँ पर लेते रहिए, क्योंकि जो भी जानकारी आती है आपको इसी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और अभी तो काफी कुछ इन्होंने इजी कर दिया है, जैसे कि आप प्रैक्टिकल के जो कैंप है वो भी आप चेक कर सकते हैं अच्छे से अपना जो है रीजनल सेंटर वाइज, तो यहाँ से आप और जानकारी ले पाएंगे। आई होप आपको नई अपडेट मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और डिफॉल्ट फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर आपका जो है वेबसाइट काम नहीं करेगी। तो थैंक यू।